वृक्षा का मतलब है पेड़ों की सुरक्षा और राव ने रीड सर की उनकी बात सुनी 29 अप्रैल को एक उनका इवेंट हुआ था वहाँ पर उन्होंने बोला था कि चाहे एक ही इंसान एक ही पेड़ उगाए वो बहुत सारी चीजें कर सकता है एक पेड़ की जो महत्व है हम सबको पता है तो हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं हम सब ने ये मुहिम स्टार्ट किया है जिससे हम सब चाहते हैं कि लोग पेड़ उगाएं पेड़ लगाएं एक इंसान एक ही पेड़ की रक्षा करे पर करे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा वहाँ पर पीछे एक प्लेज वॉल है वहाँ पे सब साइन करें और एक एक पेड़ अडॉप्ट करें ताकि हम दिल्ली को और गुड़गांव को सुंदर बना सके और हम चाहते सर आप इसमें हमारा साथ दें अभी देखिए ये जो वृक्षा नाम से आप लोगों ने एक मुहिम शुरू की है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है मित्रों आपकी जानकारी के लिए अभी इस वर्ष का जो पर्यावरण दिवस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस उस दिन हरियाणा सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है और मैं समझता हूँ वो वृक्षा के साथ यदि उसको मिला करके जोड़ के देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मुहिम हरियाणा में बनेगी हम लोगों ने तय किया है कि आज 1 जुलाई से क्योंकि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल उनकी छुट्टियां चल रही थी जून में इसलिए हमने इसकी तिथि 1 जुलाई तय की है 1 जुलाई से लेकर 3 महीने तक हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल उनमें 6ठी से लेकर 12वीं तक फ्रॉम 6 onwards up to 12th ये जो बच्चे हैं हरियाणा में लगभग 20 लाख बच्चे हैं और ये 20 लाख बच्चे अपने अपने घरों से शुरू करेंगे हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा 20 लाख पेड़ हमको लगाने हैं इस योजना के अंतर्गत ताकि अपने जीवन का एक पेड़ वो लंबे समय तक लंबी आयु तक उसको सुरक्षित रख सके तो ये हर व्यक्ति एक पेड़ अपने नाम का लगाए इस अभियान को आज से चालू कर रहे हैं और ये अभियान मैं समझता हूँ वृक्षा का जो अभियान है उसके साथ मेल खाता है आप लोग भी ऐसा सब सहयोग करिए वो आपको सहयोग करें हरियाणा को हम पूरा ग्रीन करें खास करके गुरुग्राम को इस अभियान के माध्यम से ग्रीन गुरुग्राम बनाएं यही मेरी आपसे आज के दिन बहुत बहुत अपेक्षा बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद